वीडियोस देखी हैं और काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े जोधपुर के स्ट्रीट फूड से रिलेटेड, तो मुझे जानने को मिला कि ये एक शॉप है श्री मिश्री लाल होटल। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्वीट्स मिलती हैं, तो मैंने यहाँ से अभी ली है रबड़ी और मैं लस्सी भी ट्राई करूँगा। रबड़ी मैंने टेस्ट करी, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये शॉप जो है, ये शॉप है जस्ट क्लॉक टावर के सामने, वो रहा मेहरानगढ़ फोर्ट के नज़ारे। ये है गेट, यहाँ से एंट्री होगी और ये है शॉप। बहुत खा लिया इसी रेस्टोरेंट में बैठ के, होटल के रूम में ऑर्डर कर करके। अब सोचा कि जोधपुर की गलियों में थोड़ा निकल ही लेते हैं। जोधपुर में काफ़ी सकरी गलियां हैं, काफ़ी पतली पतली गलियां हैं, तो अगर आप यहां आ रहे हो तो कार से तो मत ही प्लान करना कि सिटी एक्सप्लोर करोगे। मैंने पता करा कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि नई सड़क करके एक जगह है जहाँ पर खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहीं पर जा रहा हूँ। वहीं सेट करा है मैप के ऊपर और मैंने शायद एक गली मिस कर दी है। खैर, मैं आपसे बातें कर रहा था, कोई नहीं, अब अगली गली ले लूँगा। नई सड़क इधर से रास्ता है सीधा। हाँ, नई सड़क, खाने पीने की दुकानें वहीं पे है ना। थैंक यू भैया। सो ऐसा कुछ नज़ारा है गलियों का, कोई कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं को भी जा रहा है। तो ये है नई सड़क के कुछ नज़ारे। नई सड़क है क्लॉक टावर से काफ़ी नज़दीक। भैया, यहाँ पे खाने पीने की दुकानें कहाँ मिल जाएंगी? कौन से खाने पीने की दुकानें, मतलब स्ट्रीट फूड टाइप का? ये भी है और भी, जिसके दिल को जो वो गली है। हाँ, गली जाते ही आगे बहुत है। अच्छा, गली के आगे जाते हैं, अंदर के पास बहुत। हाँ, स्विगी वाले भैया अपना थोड़ा सा नुकसान कराते हुए उन्होंने हमको बता दिया कि कहाँ से खाना है और अपना पैसा नुकसान करा लिया। ये भी एक दुकान है, लेकिन यार आज तो एसी की दुकानें नहीं। ये बताशे दिख गए आज खाएंगे गोलगप्पे जोधपुर वाले। भैया कैसे दिए गोलगप्पे? लोग सही कहते हैं कि अक्सर छोटी छोटी दुकानों में बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, पैसे भी कम खर्च होते हैं और ऑथेंटिक लोकल खाना भी खाने को मिल जाता है। मैंने अभी यहाँ पे दाल बाटी चूरमा खाया भवानी दाल बाटी कॉर्नर पे, और टेस्ट बहुत अच्छा था। इनिशियली मुझे थोड़ा सा रॉ लगा, थोड़ा सा सूखा सूखा लगा, लेकिन फिर मैंने आसपास वाली सीट्स पे खाते हुए लोगों को देखा, वो एक्चुअली दाल पहले से डाल रहे थे जिससे कि सॉफ्टन अप हो जा रहा था थोड़ा बाटी, तो मैंने भी वो करा और टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और जो चूरमा लड्डू था वो तो क्या कहने, मतलब मज़ा ही आ गया खाने के एंड में, खा के एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। तो अगर आप जोधपुर आ रहे हो या आप जोधपुर में रहने वाले हो तो आपने खा ही लिया होगा, लेकिन अगर आप जोधपुर आ रहे हो, आप भी टूरिस्ट हो मेरी तरह और आप भी ट्राई करना चाहते हो नई चीज़ें, तो यहाँ आके ज़रूर खाइए। मेरा सफ़र शुरू हुआ था कानपुर से और ख़त्म होगा जैसलमेर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। मतलब प्लान तो यही है। जोधपुर का होटल मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था और बहुत अच्छा होटल है, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो मैं ऊपर लिंक कर दूँगा जोधपुर के बारे में, देख सकते हैं। बाइक रेडी है अपनी, सैडलिंग हो चुकी है, टैंक बैग भी सेटअप हो चुका है, बाइक पे थोड़ी धूल आ गई है लेकिन अब सर्विसिंग तो कानपुर जाके ही होगी। बाकी सब रेडी है, मैं निकलता हूँ जैसलमेर के लिए और आपको मिलता हूँ गोप्रो पे। अब आज हुई है जोधपुर में झमाझम बारिश, जिसकी वजह से रोड पे थोड़ा बहुत कीचड़ मिल सकता है और उसी की वजह से मैं लेट भी हो गया जैसलमेर निकलने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 2:01 और अभी निकल रहा हूँ जैसलमेर के लिए। सो जैसलमेर का टोटल डिस्टेंस मेरे जोधपुर के होटल से है 280 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 4:30, तो राइड करना है और कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है जोधपुर में बारिश की वजह से। इन गलियों में चलाना इज़ नॉट ईजी विद ऑल द लगेज एंड सैडल बैग्स, क्योंकि सैडल बैग्स काफ़ी बाहर निकले होते हैं बाइक से, तो देखना पड़ता है किसी चीज़ से टकरा ना जाएं, कुछ सामान टूट ना जाए या रेन कवर फट ना जाए। तो अगर कोई सोच रहा है कि यार राइडिंग में तो थक जाते हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्राई करो। आई बेट कि एक बार ट्राई कर लिया ना तो फिर दोबारा कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगे नहीं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे। हेलो भाई, हवा कम है क्या इसमें? नहीं, पीछे वाले टायर में लग रही है। अच्छा, हवा की दुकान है आसपास डलाने की कोई? अच्छा, आ गई है, ठीक है भाई, थैंक यू। तो पहले मैं सैडल बैग्स को सेटअप कर लेता हूँ थोड़ा सही से, शायद सैडल बैग की वजह से भी हो सकता है। भैया हवा डाल देना, पीछे वाले टायर में कम लग रही है।
चेक करना कितनी है, पंचर तो नहीं है? 33 डालनी है भाई, 33 से ज़्यादा मत करना। ज़्यादा नहीं खोलना? हाँ वेलक्रो भी खोल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि काम बढ़ जाएगा बहुत यहाँ पे। इतने प्यारे रास्ते में राइड करने का मज़ा, वाओ। भैया ने कहा कि ट्रैवल वीडियोस तो बनाते ही हो, प्रैंक वीडियोस बनाओ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो भैया का ऐसा मानना क्यों है, आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि लोगों के लिए मनोरंजन हो जाता है प्रैंक वीडियोस से। हाँ लेकिन प्रैंक वीडियोस जो करते हैं उनको पिटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कभी कभी। अगर वीडियो बनाना चाहते हो ना तो आप एकदम लोगों के बीच में बेशरम की तरह बहुत जल्दी आगे। चाय पी चुके हैं, भैया से खूब सारी बातें हुई ऑफ द कैमरा भी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। जैसलमेर में जाते वक्त ये पड़ती हैं विंडमिल्स, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसलमेर है 205 किलोमीटर, पोखरण है 96 किलोमीटर। तो मैं आ गया हूँ 120 किलोमीटर दूर जैसलमेर से। अब यहाँ पे दोनों रास्ते डाइवर्ज हो जाते हैं, एक रास्ता जाता है पोखरण की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है जैसलमेर की तरफ। अब पोखरण की स्टोरी तो आप लोगों को पता होगी, पोखरण वही सिटी है जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, और यूएसए ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था इस न्यूक्लियर टेस्ट को। इंडिया की न्यूक्लियर पावर तभी इस्टेब्लिश हुई थी जब वो टेस्ट कंडक्ट हुआ था। वो मूवी आपने देखी होगी परमाणु, उसमें पूरी स्टोरी डिटेल में बताई गई। मैंने सोचा था कि मैं वो साइट जाके देखूंगा न्यूक्लियर टेस्ट साइट की, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि अब रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं और शाम ज़्यादा हो रही है, मैं शायद लेट हो जाऊँगा फिर जैसलमेर के लिए। तो कोई नहीं, कभी और कवर करूँगा उसका। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो दोबारा राजस्थान आऊँगा और जो जगह रह गई हैं वो सब दिखाऊँगा आपको। अभी के लिए चलते हैं जैसलमेर, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है तो अगर पेट्रोल भराना हो, अभी मेरे बाइक में पेट्रोल है तो मैं सोच रहा हूँ आगे जाके ही भरवाऊँगा। अब मैं निकलता हूँ आगे। और हाँ एक बात और, जो भी रास्ता है जोधपुर से जैसलमेर का, बहुत ज़्यादा प्यारा रास्ता है, कसम से बता रहा हूँ। राइड करने में बहुत मज़ा आ रही है, पूरी जर्नी में कहीं पे भी स्पीड 100 के नीचे नहीं जाती है, 90, 100, 110 ऐसे ही घूमती रहती है स्पीड। इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है इतने कम टाइम में क्योंकि रोड ही इतनी अच्छी बनी हुई है, कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। माइंड इट, एक भी स्पीड ब्रेकर मुझे नहीं मिला है, बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, मतलब हैट्स ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से है जैसलमेर 154 किलोमीटर दूर लगभग, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं डेजर्ट एरिया। इतना खूबसूरत होता है डेजर्ट, मुझे तो पता ही नहीं था, पहली बार ये मैंने डेजर्ट देखा है। वो जो ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं थोड़े थोड़े पैचेस में, और वो जो डेजर्ट का लुक आ रहा है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बाइक से ट्रैवल करने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। अभी बज रहे हैं घड़ी में 6:37 और सनसेट होने लगा है। ये जो आपको ऑरेंजिश लुक दिख रहा है स्काई में, सन इन बादलों के पीछे है। अभी यहाँ से जैसलमेर 1 hour 37 minutes दिखा रहा है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 114 किलोमीटर। ठीक है डाल दीजिए, फुल कर दीजिए। कितने में है? 109.7, बढ़ता ही जा रहा है भैया जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कानपुर से निकला था तो मैंने सोचा था कि रात को राइड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि रात को कोई भी जानवर कहीं से भी आ जाता है ऐसे, और फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि दिखता नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं। सुजुकी जिक्सर की ये है लो बीम लाइट और ये है हाई बीम लाइट, सफिशिएंट लाइटिंग है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मॉडिफिकेशन कराने के और एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाऊँगा जिससे कि अगर रात को राइड करनी पड़े तो ईजिली हो जाए।